कर आज हम तेरे ही द्वार मसीह वंदन करते हम प्रतिदिन से तेरा गुणगान सत्य है नाम तेरा हम गाइए सारा जहां सत्य है नाम तेरा हम बताए सारे जहां जगत है यह तेरा प्रभु तू ही है सबसे महान आए हैं मिल कर आए हम तेरे ही द्वार मसीह वंदन करते हम प्रतिदिन से तेरा गुणगान पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों आज प्रभु हमें बुलाता है क्योंकि प्रभु आज के पाठों के द्वारा हमें यही जताता है कि मैं तुम्हें दोषी ठहराने नहीं आया हूं बल्कि मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए आया हूं। प्रिय भाई और बहनों कभी मन में ऐसे विचार आते हैं कि क्या मैं प्रभु के योग्य हूं। बहुत बार हम सोचते हैं मन में एक आत्मग्लानि होती है कि मैं तो इतना पापी हूं इतनी गलतियां कर बैठता हूं इतनी बार प्रभु से दूर चला जाता हूं तो क्या मैं पवित्र यूक्रिस्त में भाग लेने के योग्य हूँ। और ये विचार हम में से बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं और शैतान इस गिल्ट फीलिंग को अपना एक मजबूत साधन बनाता है। आज प्रभु जताता है कि फिर चाहे तुम कितने ही दूर क्यों ना चले जाओ तुम सदा मेरे बेटे और बेटियाँ बने रहोगे क्योंकि प्रभु कहता है मैं उद्धार करने आया हूँ दोषी ठहराने नहीं आया हूं। तो आइए विश्वास के साथ में प्रेम भरे हृदय के साथ में आज के मिसा में हम भाग लें। मैं विशेष रूप से आप सभी के निवेदन इस पवित्र यूक्रिस्त में लेना चाहूंगा। जिन भी भाई बहनों से हमसे निवेदन किया कि हम विशेष रूप से उनके लिए प्रार्थना करें आज के मिसा में विशेष रूप से आप सभी के निवेदनों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दे प्रभु आपके जीवन और आपके भविष्य को आशीर्वाद दे। आइए कुछ पल मौन रहें प्रभु से अपने पापों गलतियों के लिए माफी मांगे। हे भाइयों बहनों मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धनी मरियम से सब स्वर्गदूतों से संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर हे प्रभु दया कर हे ख्रिस्त दया कर हे ख्रिस्त दया कर हे प्रभु दया कर हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर तू अपने भक्तों का जीवन दिन दुखियों का गौरव और संतों का परमा आनंद है दयापूर्वक हमारे दीन प्रार्थनाओं पर ध्यान दे। जो लोग तेरे उदार दानों के लिए लालायित थे वे उन्हें प्रचुर मात्रा में प्राप्त करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 12 वचन संख्या 24 से अध्याय 13 वचन संख्या 5 तक। पाठ का मूल वाक्य है, साउल और बरनाबस को मेरे लिए अलग कर दो। ईश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। बरनाबस और साउल अपना सेवा कार्य पूरा कर यरूशलेम से लौटे और अपने साथ योहन को ले आए, जो मार्कुस कहलाता था। अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनाबस, सीमोन जो निगेर कहलाता था, लूसियस किरिनी, राजा हेरोद का दूत भाई मनाहेन और साउल। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनाबस तथा साउल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनाबस और साउल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दी। पवित्र आत्मा द्वारा भेजे हुए बरनाबस और साउल सिलूकिया गए और वहां से वे नाव पर कुप्रुस चले। सलामीन पहुंचकर वे यहूदिया के सभागृह में ईश्वर के वचन का प्रचार करने लगे। योहन भी उनके साथ रहकर उनकी सहायता करता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीष दे, हमसे प्रसन्न होकर दया दृष्टि कर। पृथ्वी के निवासी तेरा मार्ग समझ ले, सभी राष्ट्र तेरा मुक्ति विधान जान जाए। अनुवाक्य, हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाए, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता है। तू निष्पक्ष होकर पृथ्वी के देशों का शासन करता और सभी राष्ट्रों का संचालन करता है। अनुवाक्य, हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। अनुवाक्य, हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। जय घोष, अलिलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। अलिलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ में विश्वास करता है मुझ में नहीं, बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वो उसको देखता है जिसने मुझे भेजा है। मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूँ, जिससे जो मुझ में विश्वास करता है वह अंधकार में नहीं रहे। यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं संसार को दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूँ। जो मेरा तिरस्कार करता और मेरी शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करता है वह अवश्य ही दोषी ठहराया जाएगा। जो शिक्षा मैंने दी है वही उसे अंतिम दिन दोषी ठहरा देगी। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, पिता ने जिसने मुझे भेजा है आदेश दिया कि मुझे क्या कहना और कैसे बोलना है। मैं जानता हूँ कि उसका आदेश अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ कहता हूँ उसे वैसे ही कहता हूँ,
जैसे पिता ने मुझसे कहा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, एक व्यक्ति बहुत ही परेशान था। वह इसलिए परेशान था कि उसकी घर की दीवार पर लोग थूक कर बहुत गंदा करते थे, और इसलिए वह जाकर अपने मित्र मंडली में ये बात जाकर बताता है कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत बार लोग चलते चलते मेरे घर की दीवार को गंदा करते हैं, काफ़ी कोशिश कर ली पर इस बात से मुझे कोई हल नहीं मिला इस बात का, और लोगों ने, उसके दोस्तों ने कई प्रकार के उपाय उसको बताए। उन दोस्तों में से एक ने उससे कहा कि भाई तू एक काम कर, जहाँ पर वो थूकते हैं उस दीवार पर लिख दे कि यहाँ पर थूकना मना है। और वो बहुत खुश हो गया, उसने जाकर बड़े बड़े शब्दों में ये लिखवा दिया कि यहाँ पर थूकना मना है। कुछ दिन ठीक रहा, पर एक दो सप्ताह के बाद वह और भी उदास हो गया, और दोस्तों ने कहा कि अब क्या हुआ। उसने कहा जिस दिन से मैंने लिखा कि यहाँ पर थूकना मना है, लोग और भी ज़्यादा वहाँ पर थूकने लगे और वो परेशान रहने लगा। तभी एक दिन उनके नगर में एक सिद्ध पुरुष आया जो लोगों को प्रैक्टिकल सजेशंस, उपाय देता रहा, और वह जाकर उसने कहा कि मेरी एक परेशानी है, मेरे घर में ऐसी ऐसी बात है कि लोग थूक कर मेरे दीवार को गंदा करते हैं, काफ़ी कोशिश कर ली पर वहाँ कुछ होता नहीं है, दोस्तों ने बताया कि ऐसा लिख दो कि यहाँ पर थूकना मना है, मैंने वो भी किया पर कुछ भी नहीं हुआ। और वह सिद्ध पुरुष कुछ समय मौन रहा और उसने कहा कि जाओ और उस लिखे हुए को मिटा दो और उस पर लिखो कि यहाँ पर आपको थूकना ही पड़ेगा। वो आदमी कुछ पल के लिए आश्चर्यचकित रह गया, फिर सोचा कि हो सकता है उसने कुछ मंत्र कहा होगा, और उसने वो मिटा दिया और जाकर उसने नए शब्द लिख दिए कि आपको यहाँ पर थूकना ही पड़ेगा। और जब भी लोग वहाँ से निकले तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर थूकना ही पड़ेगा, तो लोग सोच विचार में पड़ गए कि क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको ये कार्य करना पड़ेगा। किसी के मन में ये बात लग गई, वो मन में विचार करने लगे कि तू कौन होता है हमें आदेश देने वाला, नहीं थूकेंगे, कहीं और जाकर थूकेंगे। और कोई लोग आपस में विचार करने लगे कि हो सकता है यहाँ पर कुछ दवाई डाल दी गई होगी, हो सकता है यहाँ पर कुछ करंट लगा दिया गया होगा, हो सकता है कुछ वायरस डाल दिया गया होगा कि अगर हम यहाँ पर थूकेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, और लोगों ने वहाँ पर थूकना बंद कर दिया। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, मनुष्य का स्वभाव है कि आप उन्हें कुछ करने के लिए बोलेंगे वे उसका उल्टा ही करते हैं। ये हम सभी ने इसका अनुभव किया है, संत पौलुस ने भी अपने आप में अनुभव किया है। उसके मन में एक द्वंद चल रहा था, वो बोलता है कि मैं भला कार्य करने की कोशिश करता हूँ पर मैं भला कार्य नहीं कर पाता हूँ, पर मैं उसका उल्टा ही करता हूँ, बुरा कार्य करता हूँ। और उसका उसको काफ़ी मलाल रहता था, काफ़ी गम रहता था, दुख रहता था कि ये द्वंद उसके मन में चलता रहता था। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज प्रभु कहता है कि मैं दोषी ठहराने नहीं आया हूँ। दोषी मनुष्य तब होता है जब वो मुझे स्वीकार नहीं करता है, जब वो मेरा तिरस्कार करता है, जब मेरी शिक्षा को नकार देता है, और तब वह अपने आप को दोषी ठहराता है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, बहुत बार हमारे जीवन का यही रोना है, हम एक दूसरे को दोष देते हैं कि तुम्हारे कारण से मेरे जीवन का यह हश्र हुआ। हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, शरीर में अगर कोई बीमारी आती है तो हमारे हाथ ईश्वर की ओर करके कहते हैं कि हे ईश्वर, तूने हमारे जीवन में ऐसा होने दिया। कभी झांक कर अपने आप में नहीं देखते कि हमारा व्यवहार कैसा है।
एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, जो भी लोग किसी भी लत में पड़े हैं, आप देख लीजिए, फिर चाहे वह शराब की लत हो, जो गुटखा तंबाकू वे खाते हैं उस पाउच पर लिखा होता है कि यह जहर है, और उसके बाद भी लोग खाते रहते हैं, पीते रहते हैं। और आज अगर हम देखें, सभी को पता है कि मोबाइल की लत से हम में से बहुत सारे लोग ग्रसित हैं, और हमें ये भी पता है कि ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से, सोशल मीडिया यूज़ करने से हमारे स्वास्थ्य पर कैसा हानिकारक प्रभाव पड़ता है, हमारी आँखों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, हमारे रिश्तों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, फिर भी लोग लगे हुए हैं। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा, और इसके लिए हम दूसरों को दोष नहीं देंगे, क्योंकि प्रभु कहता है कि खुद के पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हो। और इसलिए क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आपका आह्वान करना चाहूँगा कि एक बार उस शिक्षा के अनुसार जीवन जीकर देखिए। प्रभु कहता है, एक बार मेरे पास में आकर देखिएगा। आपने कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, आपने कई प्रकार के प्रयोग किए होंगे, आपने कई प्रकार से लोगों के साथ में रिश्ते शुरू किए होंगे, पर आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ा होगा। आज प्रभु कहता है, जो मेरी शिक्षा सुनता है और उस पर चलता है, वो सदा मेरा बेटा मेरी बेटी बना रहेगा, और जो ऐसा नहीं करता है वह खुद को दोषी ठहराता है। और इसीलिए क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आइए हम अपने ईश्वर को जानें, आइए हम उसकी शिक्षा के अनुसार अपना जीवन जिए, और तभी हम वास्तव में उसके प्रिय बेटे और बेटियां बने रहेंगे, तभी हम वास्तव में उसके सच्चे ईसाई बने रहेंगे, तभी हम वास्तव में सच्चे विश्वासी बने रहेंगे। से दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उधार पाना है, जीवी आत्मा का दान से दो, मनो धन से दो, तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा, यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा, खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा, दिन पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उधार पाना है, जीती आत्मा का दान से दो, तन मनो धन से दो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के अद्भुत आदान प्रदान द्वारा हम सबको सर्वोच्च ईश्वरत्व का सहभागी बनाया है, ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, हम उसके अनुसार योग्य आचरण भी करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है
कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही वह यज्ञ बलि है जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए हैं परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हम देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति कब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति कब गाती पृथ्वी सारी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल
कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही हम सभी मिलकर वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, वो कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप भर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप भर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप भर लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखे ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनजन के लिए हम रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में
एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गीय संस्कारों से अनुप्राणित किया है, हमारा मार्गदर्शन कर कि हम पुरानी दासता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। यह वरदे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। सबको बताएंगे, संदेश सुनाएंगे, कृपा मिली खुशी मिली, जीवन हमने पा लिया। कृपा मिली खुशी मिली, जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा।